हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूबर टिप। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जले हुए बर्तन भी नए जैसे चमकने लगेंगे। खाना बनाते समय जब आपका बर्तन ज़्यादा समय तक गैस पर रखा रह जाता है तो उसमें जले के निशान पड़ जाते हैं, जिसको साफ़ कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसलिए आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके उपयोग से आपके बर्तन फिर से चमकने लगेंगे। असल में होता यह है कि बर्तन के जलने के बाद वह पहले जैसा चमकदार नहीं रह पाता और इस बात से अपने देश की बहुत सी गृहिणियाँ काफ़ी परेशान रहती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसको जानकर आप अपने बर्तन को फिर से नया जैसा चमका सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों को। बेकिंग सोडा। यदि आपकी रसोई का कोई बर्तन आग पर ज़्यादा समय तक रखे रहने से काला पड़ जाए तो इसके लिए आप सबसे पहले उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा, दो चम्मच नींबू का रस और एक कप गर्म पानी डाल लें। 10 से 15 मिनट तक आप इस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दें तथा इसके बाद में स्क्रब करके अच्छे से रगड़कर साफ करें। इस उपाय से आपका बर्तन पहले जैसा ही चमकने लगेगा। नींबू। इस प्रयोग के लिए आप एक कच्चा नींबू ले लें तथा इसको दो भागों में काट लें। अब नींबू के एक भाग से जले हुए बर्तन को रगड़ें तथा इसके बाद बर्तन को गर्म पानी से धो लें। इस उपाय से आपका बर्तन पहले जैसा साफ हो जाएगा। नमक। यदि आपके पास बेकिंग सोडा और नींबू नहीं है तो आप परेशान ना हों। ये दोनों चीज़ें ना होने पर आप नमक को अपने काले बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें तथा अब इस मिश्रण को थोड़ी देर गैस में उबालें। इस उपाय से भी आपका बर्तन साफ हो जाएगा और पहले जैसा चमकने लगेगा। प्याज। प्याज से भी आप अपने जले हुए बर्तन को साफ कर सकती हैं। प्याज के इस उपाय के लिए आप सबसे पहले प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें तथा इन टुकड़ों को आप बर्तन में डालकर ऊपर से थोड़ा पानी डाल दें। इसके बाद इस मिश्रण को आग पर गर्म करें। इस उपाय से आपके काले बर्तन चमकने लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।